गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। लेट्स लर्न। आई एम जस्ट पुटिंग अप ए वीडियो बिकॉज यस्टरडे आई गॉट मेनी रिक्वेस्ट कि सर बैंक निफ्टी में ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया। देखो यार, मार्केट में नोबडी इज गॉड, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मार्केट। यू कैन ओनली प्रिडिक्ट इट। आपकी प्रिडिक्शन जरूरी नहीं हर बार सही हुए। जिसकी सही हो जाती है वो अपने आप को प्रमोट करने लग जाता है टेलीग्राम पे, तो जिसकी नहीं होती उसके नहीं, वो फिर रोता है और उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। तो कल बैंक निफ्टी का अगर किसी ने मेरा पिछला एनालिसिस देखा था तो मैंने क्लियर कट बोला था कि बैंक निफ्टी नीचे आएगी। अब बीच में दो चीजें होगी, इंटरेस्ट रेट आ गया, एक रशिया आ गया। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी। वो बड़े प्लेयर्स ने तो मारना होता है रिटेलर्स को, तो उन्होंने गेम खेला था। सो नाउ लेट्स गो एन एनालिसिस, डू अ बैंक निफ्टी फास्ट एनालिसिस। व्हेनेवर आई डू अ एनालिसिस आई ऑलवेज डू टॉप टॉप डाउन। आप मंथली बेसिस के चार्ट में देखें, नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर कट साइन इज व्हाट हैपेंड हियर इज। आप इसका रेजिस्टेंस जोन मार्क करें तो बैंक निफ्टी इस लेवल पे 39,000 के लेवल पे 800 से लेके 41,774 के लेवल तक उसको प्रॉब्लम आ रही है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक निफ्टी इज नॉट इन ए बेयरिश फेस राइट नाउ। आपकी मंथली कैंडल भी जो है अभी उस लेवल के ऊपर, अभी मंथ में 6 दिन बाकी हैं। अनलेस ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे रेट आता है और उसके नेक्स्ट मंथ आता है, अभी हम बियरिश फेज में नहीं जा रहे हैं। अभी हमारी बैंक निफ्टी इज इन ए काइंड ऑफ ए वही उसी में स्विंग लेने आ रही है ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम बेसिस। अब आप वीकली में देखें तो आपको और क्लियर होएगा, स्विंग यहाँ पे अभी वो नीचे आ गए, कल वीक हमारा खत्म हो गया है तो स्विंग लेने आई है और उसी लेवल पे आके रुक गई है 39,500 के लेवल पे। सो आई एम नॉट एट प्रेजेंट इन ए टू मच बियरिश मोड, बट मैं कॉशन के साथ खेलूंगा इन द डायरेक्शन। अगर इस लेवल को काट देती है दैट इज 38,000 को, देन वी विल गो टू सी ए लोअर फेम। इसको आप हमेशा लाइन चार्ट पे देख रहे हैं तो आपका ये लो है। सो 38,900 को अगर काटती है बैंक निफ्टी तो आपका ये नीचे आ सकती है अप टू 35,000 के लेवल पर। अब कल डेली टाइम फ्रेम में देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था पिछले वीडियो में कि बैंक निफ्टी को इस लेवल को काटने में 41,500 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग डेली में देगी तो फिर कोई टाइम है नहीं, तो इस लेवल तक तो उसने आना ही आना है स्विंग लेने के लिए। अब वो 39,000 तक आ गए, कल वो एक दिन में मूव कर गए, लोग पैनिक करके बहुत ज्यादा। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल इज दिस वन। टू बी ऑनेस्ट, इस लेवल में बैंक निफ्टी ने, आपको याद होगा, एक दिन गैप डाउन ओपनिंग करके 800 पॉइंट्स ऊपर खींचा था। नेक्स्ट डे भी उसने, ये हमारा मेखल एक्सपायरी वाला दिन था, 29th अगस्त आई थिंक सो वाज एन एक्सपायरी डे, नो ये गणेश चतुर्थी से पहले वाला दिन था जिस दिन बैंक निफ्टी नीचे भाग गई थी। तो जिनकी पुटे शॉर्ट की हुई थी, जैसे मैं यहीं पे बैठा हुआ था और मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था, सो दिस इज देन इट पुल्ड इट अप तो वी एंडेड अप इन प्रॉफिट। नाउ यू सी इट, दिस लेवल बिकम्स अ वेरी क्रूशियल लेवल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात बार इस लेवल को 38,000 को इसने टेस्ट किया हुआ है। नाउ लेट्स गो ऑन ए 4 आवरली टाइम फ्रेम लेवल। जो इतनी बुलिश बियरिश वे से नीचे कैंडल आई है, उस कैंडल का एक लोअर विक, एक छोटा सा इनडिसिसिवनेस यहां पे आके बना है। अब मैं इसी लेवल में ये बीच वाली लाइन हटा रहा हूं क्योंकि ये वाली लाइन मुझे नहीं लगती कि कोई इंपॉर्टेंस है। अब आप यहां से लेके यहां तक, इसके हाई पॉइंट तक फिप का हम टूल ड्रॉ कर लेंगे। हमने फिर टूल कर लिया। अब एक बड़े टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कहां आके रुकी, 0.382 लेवल्स पे।
ठीक है, अब इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब आप ये देखिए, इतनी बड़ी मूव के बाद यहां पे इनडिसिसिवनेस आ रही है, उसको 0.5 के लेवल पे ही रेजिस्टेंस मिली और यहां पे उसको सपोर्ट मिल रहा है। हम और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे बैंक निफ्टी एक ही लेवल को टेस्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ, नीचे आ गई। अब क्या होएगा, ये तो एकदम तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक निफ्टी एक ही गो में नीचे आ जाती या एक ही मूव में चढ़ती। बड़े बड़े मूव बैंक निफ्टी में बहुत कॉमन है। ये नीचे आ रही है, अब ये एक अपवर्ड स्विंग लेगी तो ये लेवल हमारे लिए बड़ा क्रूशल हो गया। अब इस लेवल पे जाके वो डिफाइन होएगा कि बायर जिसको खींच के ऊपर लेके जाते हैं, इसको रीटेस्ट करके ऊपर लेके जाते हैं, कि यहां से एक ऐसे रीटेस्ट करके फिर इसको नीचे लेके आते हैं। इफ एनीबडी सेज कि ही कैन प्रेडिक्ट इट, देन आई थिंक सो ही इज गॉड। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द पैटर्न विच इज गोइंग टू वर्क। पैटर्न ऐसे ही चलते हैं, कभी कभी फॉल्स ब्रेकडाउन ब्रेक करते हैं, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अब इस लेवल को हमारे लिए ये लेवल अब क्रूशियल होगा जब ये स्विंग लेगा। One more possibility, if it breaks down like this and retests like this, then we are seeing this level. फिर एक और major fall आएगा bank Nifty में। बहुत सारे लोगों ने including me कल जाते जाते call and puts दोनों calls buy किए हैं। मैंने तो दो हफ्ते बाद की किए हैं क्योंकि उसमें decay बहुत कम होता है और मैं मंडे को देखूंगा, मंडे afternoon तक अगर तो उसमें मुझे profit बन रहा होगा swing लेके तो मैं निकल जाऊंगा most likely in position से। But if the bank nifty opens low and doesn't break this level aur yahan se resistance leke niche jati hai, then I am going to get out of everything, because jo loss hai wo le lo, book kar lo, and it's better to buy puts, so because you will see 38,000 levels coming very soon then. So panic tab hota hai if you don't, you are not able to do understand the concept. Concept is almost clear. Bank nifty goes here, yahan tak हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। एट दिस पॉइंट वी विल सी इट कि अगर ऊपर क्लोज देके फिर इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो देन वी आर गोइंग टू गो इन बिग प्रॉफिट्स। बट अगर यहीं पे ऐसी कैंडल्स बना के रुकता है तो देन इट्स बेटर टू गेट बुक द प्रॉफिट, गेट आउट एंड देन सी व्हाट हैड हैपेंड, बिकॉज ये फिर बैंक निफ्टी हो सकता है यहां तक आए अप डाउन, ऐसे भी पैटर्न्स बनते हैं। तो मेरा तो कल ये मानना है क्योंकि इतने बड़े मेजर फॉल के बाद एक करेक्टिव तो वेव आनी है। सो मंडे को मेरे हिसाब से मार्केट यहां तक हमें लाएगी और यहाँ पे एक डिसाइसिव पॉइंट होएगा जहां पे हम ये डिसाइड होएगा कि मार्केट अब किस साइड जाएगी। मैं आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा ना वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में खाता है, भैया 30 मिनट का। अब 15 मिनट में एक चीज और नोटिस करो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। यहां पे आके स्विंग लेने के लिए तो उसको लोअर हाई बनाना ही पड़ेगा ना यहां तक। सो ये अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज नॉट टेक इट 5 मिनट्स। यहां पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, फ्लैट पैटर्न, पहला हाई हायर हाई, कहां तक जा सकते हैं इसी लेवल तक ब्रेकडाउन होएगा तो यहाँ पे हो सकता है कल बैंक निफ्टी मंडे को यहाँ पे खुले एंड देन इट टेक्स अ स्विंग अप, वी डोंट नो। बट अगर इसके नीचे जाके खुलती है और इसी को रीटेस्ट नहीं कर, इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पा रही है, देन इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ इट। तो मैं ये सारे ड्रॉइंग रूल्स हटा देता, इसको ध्यान से आप इसको नोटिस करना। ये पॉइंट हमारे लिए अब एक क्रूशियल पॉइंट आ गया। You should use lot of drawing tools. अगर आप अब आप देखें descending triangle का breakout, retest and then it's going up. आपका एक और pattern. 3 मिनट पे इसको देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों buy किया था calls. Now you see here, retest. आप इसको क्या कहते हैं morning star, वो वाला pattern भी बोल सकते हैं। So there are a lot of patterns you can say. अगर सक्सेसफुल होगा तो सारे इसमें वाहवाही ही करते हैं, बट मेरे लिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी इस लेवल को अभी टेस्ट करने आएगी आएगी 39,800 के करीब तक। इतना स्विंग तो इसमें अभी बनता है 300-400 पॉइंट का मिनिमम यहां तक आएगी, नहीं तो ये लेवल तो हमारा कहीं नहीं गया होगा, ये वाला 39,600 का।
अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे कॉल्स बाय करने का डिसीजन लिया। नो यहां देखो क्या हो रहा था एकदम सडनली, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना आपका, ये आपकी एक, क्योंकि जब व्हेन यू आर ऑप्शन बाइंग देन आई डोंट थिंक दैट यू शुड सी अ वेरी बिगर टाइम फ्रेम, यू हैव टू बी क्विक एंड क्विक आउट। और मैं क्योंकि इतने फॉल के बाद देयर इज ऑलवेज अ करेक्टिव वेव, तो मैंने उस बेसिस पे लिया। आई मे बी रॉन्ग, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक इट, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो यहां पे उसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन की, इस बॉटम का आपका ये वाला हाई है। अब इसको आप ध्यान से देखें, मैंने बाय इस लेवल पे की, जब यहां पे आके क्लोज हुई ये वाली कैंडल 39,560। अब ये पैटर्न में क्लियर हो गया कि यह बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जा सकती है, मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल को नहीं, यहां से आप देखिए ये लोअर हाई बनाता आ रहा था, यहां पे आके उसने एक लेवल को ब्रेक करने से डिसाइड कर दिया कि मैंने इस लेवल को ब्रेक नहीं करना। ये एक पॉइंट था जहां पे वो ये कर रही थी कि हम लोग नहीं करना, बट वन टू एंड थर्ड टाइम इसने यहां टच करना था, तो लाइकली ब्रेकआउट होने का जान। मैंने यहां पे अपनी कॉल्स बाय करनी शुरू की, मुझे यह था कि फैग एंड ऑफ द डे के करीब कुछ मूवमेंट आएगी तो वी विल बुक सम प्रॉफिट फ्रॉम इट। इन मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स आई वाज ऑन प्रॉफिट, बट वही होता है लालच बुरी बला, तो मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बिकॉज नेक्स्ट वीक की है, एक 13 अक्टूबर की, एक 6 की है, सो आई टुक द रिस्क ऑफ टेकिंग इट विद मी। अब इस पॉइंट को देखें, दिस इज अ लोअर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगर कल मार्केट इस पैटर्न में यहां तक भी आती है 200 और पॉइंट्स का प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं, बट अगर ब्रेक डाउन करके यहीं आ जाती है, दैट मींस इसने अपना ये एक हाई बनाने के बाद लोअर हाई बनाकर लोअर लो बना लिया, सो देन इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द कॉल्स। जो लॉस है बुक करो एंड जस्ट एंजॉय, फिर नेक्स्ट पैटर्न बनने के लिए या मूव बनाने के लिए वेट करो बैंक निफ्टी कैसे करेगी। पीपल वर वेरी पैनिकी, सर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, ये है वो है, मार्केट इतनी करेक्ट होगी, लेट्स गेट आउट ऑफ, बुक ऑल द लॉसेस एंड गेट आउट ऑफ इट। एक कॉमन मेंटालिटी मैं आपको बताता हूं, हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं, व्हेन वी बाय क्लोथ्स फॉर आवरसेल्फ्स, वी बाय ऑन व्हेन द सेल इज ऑन, 50% 70% डिस्काउंट लगता है। स्टॉक मार्केट में 50-70% ऐसे डिस्काउंट आजकल सिर्फ आईटी के स्टॉक्स में, अदरवाइज नहीं होती है कभी भी। मैंने कल जाते जाते तेजस नेटवर्क खरीदा, विच इज 4% डाउन। आई बॉट जुबिलेंट फूड्स, आई बॉट बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक्स मैंने कल खरीदे हैं। कल मैंने अल्ट्राटेक में अपनी पोजिशन थोड़ी सी और एड ऑन की है, और इंडिगो में भी थोड़ी सी ऐड ऑन किया। गुजरात गैस मेरे पास पहले ही पड़े हैं, 498 मेरा परचेज प्राइस, अभी भी उसके ऊपर चल रहे हैं। अगर आप सस्ता नहीं खरीदोगे तो महंगा कैसे बेचोगे? तो वंस देयर इज सच अ बिग करेक्शन, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू, हो सकता है मंडे को भी मार्केट नेगेटिव हो, बट ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आप पीछे डाटा कभी भी उठा के देखो, देन DIIs आर बाइंग, then usually market has a bullish view going on. Hamare DIIs understand market very nicely. They keep on buying. Jab piche bhi market fake rahe the, DIIs buy kar rahe the. Jab FIIs purchase karne pe hai, DIIs bech rahe the. Domestic institutes bech rahi thi. Because they bought cheap, they sold high. FIIs ko ek badi gandi aadat hai, they create a lot of panic. And panic mein kyunki hum sab retailers stop losses lagate hain, sare hit ho gaye, kal paisa gaya. वो जाते जाते इंडेक्स के इतने फ्यूचर शॉर्ट करके, तो ऑब्वियस है उन्होंने जब कवर करने हैं तो वो भी है, वो शॉर्ट करके, क्योंकि ग्लोबली उनके लिए रशिया वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टेल मी, रशिया से हमें क्या क्या हो रहा है, हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, बल्कि इट्स अ बेटर पॉइंट फॉर अस, वी आर गेटिंग ऑयल चीपर, नाउ वी आर एबल टू पे देम इन इंडियन रुपी वर्सेस रूबल हो गया। So, you try to understand कि जब मार्केट गिरती है, it is time to start investing also to make bigger profits. जरूरी नहीं है
अब मैं आपको बता, जब बुलिश रन में मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे वो आज बहुत बुरी तरह फंसे हैं। जैसे मैं नौकरी में फंसा हुआ, जुबिलेंट फूड में फंसा, जुबिलेंट फार्मा में फंसा हुआ। सो इफ यू बाय एक्सपेंसिव देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग स्टक आर वेरी हाई। अब मान लो रिलायंस आपका, लेट्स सी रिलायंस ऑल्सो, सिंपल रिलायंस का स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे देखो। देखो मैंने तो लाइन बनाकर उसमें अलर्ट डाला हुआ है कि 2370 के पास आएगा तो आई विल बाय द स्टॉक। आपके हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का भी ब्रेकडाउन है तो उसने यही आना है ना। तो यहां पे जब 2400 के पास आएगा तो हम उसमें बाय करने बैठेंगे। सो यू शुड नो एट व्हाट लेवल यू आर प्लानिंग टू बाय द स्टॉक। अब बैंकिंग स्टॉक्स इतने दौड़े थे, आपका जोन सा मर्जी बैंक देखो भागी जा रहा था। पंजाब नेशनल बैंक जैसा शेयर 30 से 40 हो गया, 33% रिटर्न है। स्टेट बैंक ने 20% दिया, एवरी बैंक इज गिविंग एंड यू ऑलवेज हैव अ रिपेंटेंस व्हेन दे आर एट सच ए हाई प्राइस कि काश हम खरीद लेते। तो वो काश आ रहा है आपके लिए खरीदने के लिए। सो डोंट बी वेरी पैनिकी अनलेस कि बिग पैटर्न ब्रेक हो जाए। मान लो ये 2300 के नीचे आ जाए देन विल बी ए पैटर्न। तो मैं 2300 के करीब का स्टॉप लॉस लगाऊंगा बिकॉज नेक्स्ट लेवल तो हमारा यहाँ आ रहा था। अब मेट्रो ब्रांड जैसा शू कल कैसे दौड़ा है? अब आप ये देखो उसको एक ही जगह से रेजिस्टेंस मिल रही, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा 900 के ऊपर, और यहां पे भी गया था, लोग ट्रैप हुए। अब आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको अब ये लगेगा ये रीटेस्ट करने आया हुआ है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूं आपको, ये देख लें यहां पे भी तो उसने रीटेस्ट किया था, यहां से आपको मूवमेंट दे दी 100 रुपीज की, दिस इज 15%। अब इसको रीटेस्ट कर रहा है, यहां से 15% लगाओ तो आपके यहां पे आ जाएगा करीब 1000 रुपीज के करीब। सो बी वेरी पॉजिटिव, ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स व्हेन यू टेक अ ट्रेड। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज टेक इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।